गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 कंजूस रामदास। एक गांव में रामदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत कंजूस था। वह किसी पर विश्वास नहीं करता था, सबको बेईमान समझता था। एक बार रामदास ने एक टोपी का कपड़ा खरीदा। टोपी सिलवाने वह दर्जी के पास गया। रामदास ने सोचा, क्यों ना इस कपड़े में दो टोपियाँ सिलवा लूँ। रामदास दर्जी से बोला, भैया इसमें दो टोपियाँ बना देना। दर्जी रामदास की कंजूसी को जानता था, बोला, अच्छा। रामदास ने सोचा, दर्जी अवश्य ही कपड़ा बचाएगा, फिर क्यों ना चार टोपियाँ बनवा लूँ। दर्जी, भैया इसमें चार टोपियाँ बनवाना। रामदास ने दर्जी से कहा, चार नहीं, इसमें तो मैं 8-10 टोपियाँ भी बना सकता हूँ। दर्जी ने झल्लाकर कहा, क्योंकि उसे गुस्सा आ गया था। यह सुनकर रामदास बहुत प्रसन्न हुआ और दर्जी से बोला, तब तो भैया 10 टोपियाँ ही बना देना। दर्जी ने कहा, अच्छा बाबा अच्छा, कल ले जाना। दूसरे दिन रामदास टोपियाँ लेने दर्जी के पास पहुँचा। दर्जी मुस्कुराते हुए बोला, रामदास भैया जरा अपने दोनों हाथों की उंगलियां तो फैलाओ। रामदास ने दोनों हाथों की उंगलियां फैला दी। दर्जी ने मुस्कुराते हुए उसकी 10 उंगलियों पर एक एक करके 10 नन्ही नन्ही टोपियां पहना दी। रामदास उन्हें देखकर दर्जी पर आग बबूला हो गया, मतलब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। देखिए यहाँ पर चित्र में भी दिखाया गया है कि उसकी उंगलियों पर 10 टोपियाँ पहना दी गई है और सभी क्या कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, मतलब हंस रहे हैं। दर्जी ने कहा, एक टोपी के कपड़े से सिर पर पहनने वाली 10 टोपियाँ भला कैसे बन सकती थी। रामदास दर्जी की बात सुनकर आश्चर्य से मुंह बंद बाएं खड़ा देखता रहा। आसपास के खड़े लोग भी हंसने लगे। सचमुच कंजूस मनुष्य की इसी प्रकार हंसी उड़ती है, इसीलिए आपको कंजूसी कभी नहीं करनी चाहिए, इससे आपको शिक्षा मिलती है। जैसा ये चैप्टर में कंजूस रामदास के साथ हुआ कि उसकी हंसी उड़ गई। ठीक है, ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। हम करते हैं शब्दार्थ। व्यक्ति का आदमी, कंजूस का आवश्यक कार्यों पर भी धन खर्च ना करने वाला, लोभी, विश्वास का भरोसा या यकीन, दर्जी का कपड़े सिलने वाला, अवश्य का जरूर, आग बबूला होना मतलब बहुत ज़्यादा क्रोधित होना या बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, आश्चर्य का अचंभा, मुंह बाय मतलब मुंह फाड़े हुए या मुंह खोले हुए, मनुष्य का आदमी। क्वेश्चन आंसर है, रामदास ने कितनी टोपियों का कपड़ा खरीदा था? एक टोपी का। ठीक है, रामदास दर्जी के पास क्यों गया? टोपी बनवाने के लिए। रामदास ने दर्जी से क्या क्या कहा कि इसकी कितनी टोपियाँ बना देना? 10 टोपियाँ बना देना। दर्जी ने बहुत छोटी छोटी टोपियाँ क्यों बनाई? क्योंकि वह रामदास को सबक सिखाना चाहता था। दर्जी के पास खड़े लोग क्यों हंसने लगे? उसकी हाथों पर नन्ही टोपियाँ देखकर सभी लोग हंसने लगे, है ना? तो हमने ओरल क्वेश्चन आंसर कर लिया, है ना? अब करते क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न क्रमांक 2, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। रामदास एक मनुष्य था। कैसा मनुष्य था? कंजूस। दर्जी ने टोपियाँ पहनाई रामदास की हाथों की 10 उंगलियों पर। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3, उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। रामदास एक ब्लैंक व्यक्ति था। कंजूस। ख, रामदास दूसरों को क्या समझता था? बेईमान। ग, रामदास ने ब्लैंक टोपी का कपड़ा खरीदा, एक टोपी का। घ, रामदास टोपी सिलवाने ब्लैंक की दुकान पर गया। किसकी दुकान पर सिलवाने देते हैं आप? दर्जी। नेक्स्ट है, रामदास ने ब्लैंक टोपी बनवाने के लिए कहा। कितनी टोपी बनाने के लिए कहा? 10। ठीक है, सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए। रामदास टोपियां लेने मोची के पास गया। बोलो, मोची टोपी सिलता है कि जूते सिलता है? क्या सिलता है? तो ये क्या आएगा आपका? गलत। रामदास ने अपने दोनों हाथों की उंगलियां फैला दी। सही। ग, रामदास आश्चर्य से दर्जी को देखता रहा, मतलब मुंह बाएं देखता रहा, मतलब सही। रामदास 10 टोपियों का कपड़ा खरीद कर लाया था। गलत, वो सिर्फ एक टोपी का कपड़ा खरीद कर लाया था। रामदास दर्जी पर आग बबूला हो गया।
क्या है? सही, भाषा और व्याकरण। प्रश्न क्रमांक पहला है, निम्नलिखित शब्दों को एक वचन में बदल कर लिखिए। जो यह शब्द दिए हैं उसे हमको एक वचन में लिखना है, तो यहाँ पर बहुवचन में दिया गया है। जैसे उंगलियाँ, उंगलियाँ का क्या हो जाएगा? उंगली। आप याद रखना, जब भी बहुवचन में कुछ शब्द लिखे रहते हैं तो उसमें छोटी की मात्रा लगी होती है, लेकिन आप उसे जब एक वचन में बनाते हैं तो उसमें बड़ी की मात्रा लग जाती है। जैसे उंगलियाँ का उंगली, टोपियाँ का टोपी, लकड़ियाँ का लकड़ी, बिजलियाँ का बिजली, धोतियाँ का धोती, छड़ियाँ का छड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे होंगे, आपको समझ में आ गया होगा एक वचन और बहुवचन। प्रश्न क्रमांक दो, निम्नलिखित वाक्यांशों को उचित एक शब्द से मिलाइए। यहाँ पर एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिया गया है। अब आपको देखना है कि जूतों की मरम्मत करने वाले को क्या बोलते हैं? मोची, देखिए लास्ट में लगा हुआ है। ख, अध्ययन कराने वाला, जो अध्ययन कराता है उसे क्या बोलते हैं? अध्यापक। पत्र लाने वाला, डाकिया मीन्स पोस्टमैन। कपड़े धोने वाला, धोबी। फसल उगाने वाला, बताइए क्या बोलते हैं? किसान। दूध लाने वाले को दुधिया, जिसे आप दूध वाला बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं? दुधिया। अब है प्रश्न क्रमांक तीन, दिए गए शब्दों को दो दो बार लिखिए। यहाँ पर जितने भी शब्द हैं, कंजूस, मनुष्य, विश्वास, दर्जी, टोपियाँ, इसे आपको बार बार लिखना है ताकि आपको ये वर्ड्स याद भी हो जाए और आप लोगों को लिखना भी आ जाए। ठीक है, तो ये चैप्टर आज हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप सो ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।